आप लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप ये पेंटिंग के क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? हाँ जी, जो ये हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये जो मतलब समाज में इसका हमारे देश में पूरा रोष है और पाकिस्तान के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं जंतर मंतर पे, और ये चित्रकारों ने कलाकारों ने अपने रंगों के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि ये खून खराबा और नहीं, इसका जल्दी एक्शन होना चाहिए और इसका बदला लेने की ज़रूरत है। ये जो घटना हुई है, आतंकी घटना ऐसी बार बार ना हो, और बस यही। ये जो लिखा है यहाँ पर, अब देव नहीं दानव, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो सीआरपीएफ के जवान हमारे मारे गए हैं, अगर देवता ही बने रहेंगे हम हमेशा जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि ये हमेशा आतंकवादी इसी तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। अब हमें भी उनकी तरह से दानव बनना पड़ेगा, और उस दानव को बनने के साथ साथ पाकिस्तान को नक्शे से हटाना पड़ेगा, वरना ये आतंकवादी बनकर ये हमेशा से मारते रहेंगे। बहुत सह लिया, इससे आगे सहने की अब गुंजाइश नहीं है। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं लोगों का गुस्सा अलग अलग तरीके से निकल रहा है, लोग आर्मी को कहना चाहते हैं कि अब देवता नहीं दानव बन जाए और पाकिस्तान से उसी तरह बदला लिया जाए जिस तरह से वो हम पर हमला कर रही है। कैमरामैन लोकेश गोस्वामी के साथ तालिब खान, 10 न्यूज़।